दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जो बिजनेस आने वाले टाइम के अंदर बहुत चलने वाला है, या जो लोग इससे बिजनेस को कर रहे हैं वो भैया लाखों करोड़ों छाप रहे हैं। आप भी कमाना चाहते हैं पैसे तो भैया एक मशीन, सिर्फ एक मशीन आपके बहुत काम आने वाली है, ये कुछ इस तरह की मशीन। अब आप सोच रहे होंगे भैया ये मशीन इस तरह की है किस चीज़ की, इतनी बड़ी भारी भरकम मशीन है किस चीज़ की? भैया ये मशीन बहुत काम की, क्योंकि ये मशीन निकालती है तेल, अच्छी अच्छी चीज़ों का तेल निकाल देती है भैया ये एक मशीन। इस मशीन के अंदर भैया आप सरसों का तेल निकालना चाहो तो भैया सरसों का तेल निकाल सकते हो, बादाम का तेल निकाल सकते हो, किसी भी चीज का तेल निकालना चाहो तो भैया ये मशीन निकाल करके देगी। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से कैसे अपने घर से इस बिजनेस को स्टार्ट करके आप सभी लोग लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है। मैंने इसके अंदर इनका नंबर दिया, एड्रेस दिया, जो ये मशीनें बनाते हैं इन हाउस बनती है, और कोई भी आम आदमी चाहे उसके पास पढ़ा लिखा हो या ना हो, नॉलेज हो या ना हो, ये सिखाएंगे किस तरीके से मशीन काम करती है, किस तरीके से आप इससे पैसे कमा सकते हैं, और भैया कितना ये आपको मार्जिन कमा के देगी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट मशीन जो आपको सालों साल उम्र भर पैसा कमा करके देने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो भैया इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है किस तरीके से मशीन काम करती है, आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं और लाखों रुपये कमा सकते हैं। आपको क्या करना है, बस इस पेज को फॉलो करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आपको ये बिजनेस समझ आया, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। पूरे पैसों की जानकारी मैंने वीडियो के अंदर दी हुई है, भैया इतना पैसा कमा सकते हो कुछ इस तरह का तेल बना बना करके, जिसकी कोई हद नहीं है। पूरी वीडियो देखो, लास्ट तक देखो, मजा आ जाएगा। तो देख रहे हो मेरे हाथ में ये क्या है, ये है भैया सरसों का तेल, और आज मैं एक ऐसे जने के पास लेकर आया हूं जो आपको निकालना सिखाएंगे तेल। ये है वो भैया जो देते हैं भैया कुछ इस तरह की मशीन जो निकालती है तेल, तेल निकालने की मशीन। आज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो मार्केट के अंदर भैया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुल्लू चला रहे हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट का तेल, जैसे कि भैया किस किस चीजों का तेल निकलता है आज डेट में जरा बताएं। देखिए बेसिकली इस मशीन को कहते हैं ऑयल एक्सपेलर मशीन, ठीक है जी, यानी तेल निकालने वाली मशीन जी। चाहे वो कोई भी तेल हो, या सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो, बादाम का तेल हो, हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग जो घरेलू में यूज करते हैं, किचन में यूज करते हैं जी, हम लोग जो बालों में लगाते हैं, वो सारे तेल इसमें आप सरसों का तेल, बादाम का तेल, किसी भी चीज का तेल निकाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपको प्रोडक्ट जिसका तेल निकलता हो, हाँ, जो भी हम लोग यूज करते हैं रोजमर्रा की चीज में, जो चीज हम, जो तेल हम यूज करते हैं जी, वो सारी तेल इसमें आपको प्रोडक्ट डालना है और ये उसमें निकल रिफाइंड करके निकलती है मशीन, ये पूरा का पूरा तेल ये? नहीं नहीं, इसमें क्या होता है कि आपका जो भी तेल निकलता है इसके बाद एक अलग से आता है, एक फिल्टर मशीन आता, अच्छा, रिफाइंड के लिए अलग से आता है, ठीक है, फिल्टर किया जाता है, फिर उसके बाद आप उसको डब्बे में भर के मार्केट में आप आराम से उसको बेच सकते हैं। जो मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कंपनी अपने डब्बों में डाल के तेल बेचती है, बिल्कुल यही मशीन, वो ये मशीन भी कर सकती है, बिल्कुल ये मशीन ही यूज करती है, अच्छा, इसी मशीन से वो तेल भी निकालती है, उसको फिर फिल्टर में फिल्टर करके उसको डब्बे में पैक करके फिर उसके बाद मार्केट में जो हमें मिलता है वही मार्केट में। तो क्या ये बिजनेस कोई भी आम आदमी कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, गांव से लेके शहर तक कोई भी आदमी से कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही, इसका स्टार्टिंग 60,000 से स्टार्टिंग है ये मशीन का, ठीक है, और 5,00,000 तक की आपको पड़ेगी। अच्छा, तो आपका प्रोडक्शन के हिसाब से, जैसा ही आपको प्रोडक्शन चाहिए उस हिसाब से आपको मशीन आपको प्रोवाइड करेगी। क्या जैसे कि आपके पीछे मैं एक तेल का डब्बा रखा हुआ देख रहा हूँ, जो मार्केट के अंदर ये इस तरह के जो तेल बिकते हैं जी, जो बहुत ही महंगे बिकते हैं जी, तो क्या अगर इससे बना करके बेचा जाए तो क्या आदमी को प्रॉफिट होगा? बिल्कुल, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए अगर 1 किलो तेल का, अगर इसमें 1 किलो हम इसमें सरसों डालते हैं जी, ठीक है, अगर 1 किलो का मान लीजिए हमें सरसों मिलता है 30 रुपए किलो जी, 30 रुपए अगर 1 किलो के सरसों में जो भी आपको तेल निकलेगा करीब 450 से 450 ग्राम निकलेगा जी, अब 450 आराम से आप मार्केट में बेचिएगा तो कितना बिकता है, 60 रुपया 70 रुपये आराम से वो बिकता है, तो आपका इसमें प्रॉफिट कितना हो गया, 20 रुपया आपको आधे किलो पर 20 रुपया बच गया। हाँ बिल्कुल, अगर मतलब 1 किलो प्रॉफिट आदमी का अपना अपने हिसाब से निकाल सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर तो भाई हर एक एमआरपी पे बेच रहे हैं, बिल्कुल, बाकी आपके इसमें क्या प्योरिटी रहती है हर एक चीज की एकदम, कि भैया हाथ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल हाइजीनिक सामने निकाल सकते हैं, हाइजीनिक रहता है, प्योर हाइजीनिक रहता है, प्लस प्योरिटी एकदम सबसे प्योरिटी। कैसे काम करता है जरा बताए ना, ये क्या चीज है, इसको क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है, इसमें क्या वो सरसों जो होता है ना वो डाला जाता है जी, डालने के साथ उसे पीसती है, ये पीसता है पूरी, हाँ ये करने का, ये पूरी पूरी मशीन
हार्वेस्टिंग ये करते हैं उसको, ठीक है, करने के बाद ये यहाँ पे जो है यहाँ पे तेल निकलता है, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर तेल भर जाता है, जब हाँ वो पूरा सेटअप होगा, सेटअप होने के साथ इसको पूरा ये पार्ट वगैरह है, ठीक है। और ये क्या चीज है? ये स्टैंड है, स्टैंड है, इसका स्टैंड के साथ ही लगता है, ठीक है। जब पूरा सेट होगा वो आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो साइड में चल रही है, बिल्कुल आप देख सकते हैं उसमें कैसे तेल निकल रहा है, उसी हिसाब से आपका आप उसको कंटेनर में रखो और उसके बाद प्यूरिफाई करके जो भी फिल्टर लगा के फिल्टर में फिल्टर करके उसको आप आराम से डब्बे में पैक करके आप आराम से मार्केट में बेच सकते हो। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। कितनी इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपने बताया कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? ये 60,000 से स्टार्टिंग होती है। ओके, क्या बात है। सो भैया, ये लेने के लिए, मशीन लेने के लिए आना कहाँ पड़ेगा ये बताना? हमारे मशीन लेने के लिए आपको हमारे ऑफिस पे आना पड़ेगा। हमारा ऑफिस का एड्रेस है रॉयल मशीनरी D58 सेक्टर 6 नोएडा अथॉरिटी के पास ही है नोएडा। इसके लिए सबसे पहले आपको नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा, वहां से आपको 2 से 3 मिनट की दूरी है नोएडा अथॉरिटी के पास, ठीक है। आप आइए, हमारे हमें कॉल कर लीजिए, हम आपको यहाँ पे सारा चीज गाइड करते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम।